चिदम्बरम पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, कल रात से घर में डटी है सीबीआई की टीम, नहीं मिले पूर्व वित्त मंत्री। चिदम्बरम के वकील की अपील, 10:30 बजे तक ना करें कार्रवाई। सीबीआई ने कल रात चिदम्बरम के दिल्ली वाले घर पर चिपकाया नोटिस, पेशी के लिए 2 घंटे का दिया था वक्त। कल रात ईडी की टीम भी चिदम्बरम के घर पहुंची, पूर्व वित्त मंत्री को लेकर घर में मौजूद लोगों से पूछताछ। आईएनएक्स केस में आरोपी हैं पी चिदम्बरम, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की है अग्रिम जमानत की अर्जी। कल शाम 6 बजे के बाद से नहीं दिखे चिदम्बरम, 20 घंटे से तलाश रही है सीबीआई की टीम। सुप्रीम कोर्ट में वक्त नहीं रहने के चलते नहीं आया चिदम्बरम की अर्जी का नंबर, आज 10 बजे होगी सुनवाई। चिदम्बरम ने गिरफ्तारी के डर से सुप्रीम कोर्ट का किया रुख, अग्रिम जमानत अर्जी पर तुरंत सुनवाई की मांग की। चिदम्बरम पर दिल्ली हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, पूर्व वित्त मंत्री को बताया घोटाले का किंग पिन। चिदम्बरम के बचाव में उतरी प्रियंका, बोली सरकार के खिलाफ बोलने के कारण कायरतापूर्ण कार्रवाई। बड़बोले ट्रंप ने फिर छेड़ा कश्मीर का राग, फिर की मध्यस्थता की बात। ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच स्थिति को बताया विस्फोटक, मोदी से बातचीत से 24 घंटे बात किया, दिया बयान। ट्रंप के कश्मीर में घुसेड़ा हिंदू मुसलमान का एंगल, वहां हिंदू है और मुसलमान भी, दोनों में नहीं है मेलजोल। ट्रंप ने कहा कि मोदी के सामने रखेंगे अपनी बात, इसी हफ्ते उठाएंगे मुद्दा। 24 अगस्त से होने वाले G7 शिखर में कश्मीर पर बात कर सकता है अमेरिका, फ्रांस ने भी जताई इच्छा। जम्मू कश्मीर में प्राथमिक और कुछ माध्यमिक स्कूलों को खोले जाने के बाद आज प्रशासन ने सभी स्कूल खोलने का किया फैसला। कश्मीर में पिछले 2 दिन से स्कूल कॉलेज खोले जाने के बावजूद छात्रों का रहा अटेंडेंस कम, तमाम निजी स्कूल रहे बंद। जम्मू कश्मीर में जनता से जुड़ाव और नीतियों के प्रचार प्रसार के लिए सरकार समाचार पत्र, रेडियो, टीवी पर विज्ञापनों का ले रही है सहारा। कश्मीर पर बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार में मुद्दा उठाने की कर रहा है तैयारी। पाकिस्तान ने पीओके में खोली झूठ की फैक्ट्री, सोशल मीडिया पर कश्मीर को लेकर कर रहा है दुष्प्रचार। बारामूला में एक आतंकी ढेर, आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सुरक्षा बलों की घेराबंदी। कृष्णा घाटी में पाकिस्तान की अंधाधुंध गोलाबारी, एक जवान शहीद। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन से की बात, आतंकवाद पर साफ मिलकर लड़ाई लड़ने की बताई जरूरत। ब्रिटेन के पीएम से मोदी की 15 अगस्त को लंदन में हुए प्रदर्शन का किया जिक्र, भारतीय उच्चायोग के सामने पाकिस्तानी समर्थकों ने किया था हंगामा। जॉनसन ने 15 अगस्त को पाकिस्तानियों के हंगामे पर पीएम मोदी से जताया खेद, भारतीय उच्चायोग को सुरक्षा का दिया भरोसा। दिल्ली पर मंडराया सैलाब का खतरा, यमुना के करीब निचले इलाके से लोगों को किया जा रहा है विस्थापित। खतरे के निशान को पार कर चुका है यमुना का जलस्तर, 206 मीटर से आज 207 मीटर तक पहुंचने की आशंका। पुरानी दिल्ली जाने वाली ट्रेनों को नई दिल्ली किया गया डायवर्ट, यमुना पर लोहे का पुल पर अब ट्रैफिक पूरी तरह से बंद। दिल्ली यमुना बाजार इलाके में जलभराव की मुसीबत, घर छोड़ने की आई नौबत। सरकारी कैंप में नाकाफी इंतजाम से हो रही दिक्कत, टोले तक की सुविधा नहीं। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी से ग्रेटर नोएडा में आई आफत, यमुना के बढ़े जलस्तर से तिलवाड़ा गांव में फंसे 20 किसान। सब्जी की खेती करने वाले किसानों को एनडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू, नदी के दूसरे छोर पर फंसे थे। जलंधर में डैम से छोड़े गए पानी से आई आफत, सैलाब में 20 गांवों में भरा पानी। करनाल में भी सैलाब का कहर, जलभराव से स्कूली बच्चों को दिक्कत, फसल हुई बर्बाद। प्रयागराज में निचले इलाके में सैलाब से मुसीबत, सलोरी बघाड़ा दारागंज की सड़क पर चल रही है नाव। यूपी में योगी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल, 5 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ मंजूर। योगी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, राजेश अग्रवाल, धर्मपाल सिंह, अनुपमा जायसवाल, अर्चना पांडे का इस्तीफा मंजूर। आज हो सकता है योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार, नए चेहरों को मिलेगी मंत्रिमंडल में एंट्री। सूत्रों के मुताबिक योगी मंत्रिमंडल में रविंद्र जायसवाल, विजय कश्यप,
रामशंकर पटेल, आनंद स्वरूप शुक्ला और श्रीराम चौहान को मिल सकती है एंट्री। कैबिनेट फेरबदल से पहले लखनऊ में सरकार गठन और संघ की समन्वय बैठक, योगी समेत कई दिग्गज मौजूद। आरक्षण पर संघ प्रमुख के बयान पर उपजे विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, आरक्षण पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। एनसीपी नेता धनंजय मुंडे ने आदित्य ठाकरे की संवेदनशीलता का उड़ाया मजाक, कहा पेंगुइन की मौत पर उनकी आंखों में आ गए थे आंसू। शिवसेना की जन आशीर्वाद यात्रा की आदित्य ठाकरे कर रहे अगुवाई, एनसीपी ने कहा आदित्य ठाकरे को सीएम बनाना है जन आशीर्वाद यात्रा का मकसद। पश्चिम बंगाल के बर्धवान में क्लब पर कब्जे को लेकर बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता भिड़े, बम से किया हमला, भारी पुलिस बल तैनात। बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं की बमबाजी का शिकार हुई मासूम बच्ची, घायल बच्ची अस्पताल में भर्ती। पटना के बांकीपुर में नगर निगम बैठक में महिला पार्षद से छेड़खानी का मुद्दा गरमाया, पार्षद पिंकी कुमारी ने मेयर सीता साहू के बेटे शिशिर कुमार पर लगाया आरोप। पार्षद पिंकी कुमारी के मुताबिक बैठक के दौरान शिशिर ने आंख मारी, बर्फा हंगामा, हाथापाई की आई नौबत। मेयर के बेटे शिशिर ने पार्षद पिंकी के आरोपों को किया खारिज, लेकिन बैठक में शिशिर की मौजूदगी पर उठ रहे सवाल, वो न पार्षद है न ही निगम के सदस्य। मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता बाबूलाल गौर का निधन, 89 साल के थे बाबूलाल गौर, बीमारी के चलते अस्पताल में थे भर्ती। मध्यप्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष राकेश सिंह, बाबूलाल गौर के निधन को उन्होंने बताया अपूर्णीय क्षति, व्यक्त की शोक संवेदना। कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की दो याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। 354 करोड़ के बैंकिंग घोटाले में कल हुई थी रतुल पुरी की गिरफ्तारी, ईडी ने किया गिरफ्तार। भांजे रतुल पुरी की गिरफ्तारी पर बोले मध्यप्रदेश के सीएम कमलनाथ, मेरा उनके व्यापार से कोई लेना देना नहीं। रतुल पुरी की और बड़ी मुसीबत, अगस्ता वेस्टलैंड में जुड़े मसले में भी हाईकोर्ट ने कल खारिज की अग्रिम जमानत याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट ने रतुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के ने रतुल के पूछताछ में सहयोग का दिया हवाला, लेकिन नहीं दिला सके अग्रिम जमानत। उत्तरकाशी में सैलाब और भूस्खलन की आफत, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा। चंपावत में भारी बारिश के बाद पहाड़ों पर भूस्खलन का बड़ा खतरा, टनकपुर चंपावत हाईवे हुआ बंद। चंपावत में नदियों में उफान से कई गांव में सैलाब का खतरा मंडराया। आसनसोल में भारी बारिश के बाद अजय नदी में उफान, कई गांव में सैलाब का संकट। सिलीगुड़ी में एक बीजेपी नेता और उनके समर्थकों ने महिला को बुरी तरह से पीटा, बाल पकड़कर घसीटा, जमीन विवाद में की बर्बरता। उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल में भारी बारिश से कोहराम, टिहरी डैम में पानी बढ़ने से दहशत का अलर्ट। भोपाल में डैम के गेट खुलने पर मछली पकड़ रहे दो युवक, पानी में तेज बहाव में फंसे, नगर निगम के कर्मचारियों ने किया रेस्क्यू। वाराणसी में खतरे के निशान के करीब पहुंची गंगा, शहर के निचले इलाकों में पलायन शुरू, प्रशासन ने लोगों को चेताया। बाराबंकी में निचले इलाकों में घाघरा नदी ने मचाई तबाही, पानी से डूबे आधा दर्जन गांव। बक्सर में बढ़ा गंगा का जलस्तर, कई गांव में घुसा सैलाब, राहत गांव में जुटी प्रशासन। पुलिस का मसीहा अवतार, हरदोई में फंसे फांसी के फंदे पर लटके एक शख्स को कांस्टेबल ने किया जिंदा। पारिवारिक कलह में युवक ने लगा ली थी फांसी, कांस्टेबल ने फंदे से उतारा, कर दिया हार्ट पंप। बिहार पुलिस का दिया बर्बर दिखा बर्बर रूप, सिवान जेल में हम लोगों ने को ट्रेनिंग में बताया जाता है उसी तरीके से हम लोगों ने उसको फर्स्ट एड दिया। फर्स्ट एड देने के बाद करीब 5 मिनट बाद उसकी सांसें एकदम झटके से सांसें आई। बिहार पुलिस का दिखा बर्बर रूप, सिवान जेल में बीमार हुए 3 कैदियों को अस्पताल लाने पर बेड से बांधा। शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार हुए 3 कैदी इलाज के दौरान हाथ पैर बंधे होने से बेड पर तड़पते दिखाई दिए। ध्वनि प्रदूषण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, यूपी में डीजे पूरी तरह से पाबंदी। नए विवाद में गिरे अनुराग कश्यप, वेब सीरीज सीक्रेट गेम्स 2 के खिलाफ बीजेपी विधायक ने लिखा खत। सिरसा में सीक्रेट गेम्स 2 में सैफ अली खान पर भी सिखों की भावना को ठेस पहुंचाने का लगा आरोप, एक सीन में कड़ा उतारना धर्म के खिलाफ बताया। मनजिंदर सिंह सिरसा ने सीरीज दिखाने वाली वेब साइट को दी धमकी, कहा गलत लोगों को से लिया पंगा, जीना हराम कर देंगे। नए विवाद में गिरी बीएमसी, अपनी छवि सुधारने के लिए खर्च करेगी 6 करोड़, सोशल मीडिया का लेगी सहारा। सुशासन बाबू की सरकार में बिहार में बेखौफ है बदमाश, छपरा में एसआईटी टीम पर हमला, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की हत्या। सरे बाजार अज्ञात बंदूकधारियों ने एसआईटी टीम के
सदस्यों पर की गोलीबारी, एक सदस्य गंभीर रूप से घायल हुआ। बर्दवान में पलटी तेज रफ्तार बस, हादसे में 15 घायल, एक की हालत गंभीर। कानून बनने के बावजूद नहीं थम रहा है तीन तलाक, हरदोई में एक शख्स ने दहेज न मिलने पर पत्नी को दिया तलाक। अकोला में दो परिवारों के बीच पुरानी रंजिश में चली तलवारें, दो लोगों की गई जान, एक की हालत गंभीर। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।